डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर 2016 के बारे में। जी हां, इसमें हम आपको बताएंगे कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, जिसे आप एक बेहतरीन योजना बनाकर बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, यद्यपि यह महीना कुछ उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन आपका पुरुषार्थ आपको सफल बनाता रहेगा। आपके संबंध बड़े पदों पर बैठे लोगों से बनेंगे और उनके माध्यम से आपकी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस महीने आपको निजी जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। महीने के पहले भाग में मिले जुले परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है वह पुराने गिले शिकवे को दूर करने वाला रहेगा। दैनिक रोजगार में भी बेहतरी आने के योग प्रतीत हो रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना आपके जीवन में बेहतरी ला सकता है, इसलिए सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। और अब बात वृष राशि की। वृष राशि वालों, सामान्य तौर पर इस महीने आपको बेहतरीन परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आपका काम साझेदारी का है तो उसमें बेहतरी आने के योग भी बन रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं और आपकी उम्र विवाह की हो चली है तो विवाह के प्रस्ताव मिलने वाले हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय को हम अनुकूल ही कहेंगे, लेकिन वासनात्मक विचारों पर अगर आप संयम रख लेंगे तो आपको और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। महीने के पहले भाग में आप पुरुषार्थ करके सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन घरेलू जीवन में इस समय कुछ तनाव रह सकता है। आपके वाहन में कोई खराबी भी आ सकती है और महीने के दूसरे भाग में स्थितियां मिलीजुली रहेंगी। निजी जीवन में इस समय कोई भी लापरवाही उचित नहीं रहेगी। अगर आप लापरवाही नहीं करते हैं तो निश्चित है कि अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। उपाय के रूप में कन्याओं को खीर खिलाना उचित रहेगा। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सामान्यतः इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन आपको हर प्रकार के कंफ्यूजन से बचने की निरंतर कोशिश भी करनी होगी। यदि दिमाग में कोई खुराफात आ रही है तो उसे बाहर किसी के सामने अगर ना प्रकट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग आपके इस तरह के विचारों को गंभीरता से ना लेकर मजाक में ले सकते हैं और आपके स्वभाव पर संदेह कर सकते हैं। महीने के पहले भाग में संतान, शिक्षा और प्रेम को लेकर आपको सजग रहना होगा। इन मामलों में कोई भी लापरवाही अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। महीने के दूसरे भाग में आप अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलते हुए नजर आएंगे। और उपाय की बात करें तो स्कूल के बच्चों को आटे वाले बिस्किट खिलाने से निश्चित है कि आपके जीवन में बेहतरी आएगी। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, काम धंधे के लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आपका काम साझेदारी का है तो उसमें प्रगति होने के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन आपसी अनबन भी संभावित है। ऐसे में आपको आपसी अहंकार से बचना होगा, तभी आप बेहतर परिणाम पा सकेंगे। भले ही इस महीने काम अच्छे से बने, लेकिन आर्थिक मामलों के लिए महीने का जो पहला भाग है वह बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। हालांकि खर्चे घरेलू काम में ही होंगे, लेकिन बचत ना होने के कारण आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। वहीं महीने के दूसरे भाग में आपकी सोच और भी प्रखर होगी, परिणाम स्वरूप आप अपने कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे पाएंगे और अध्ययन अध्यापन के लिए इस समय को हम अनुकूल ही कहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गुड़ या गुड़ से बनी कोई मिठाई अगर आप बंदरों को खिला पाएं तो आपको और अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपको भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है इस महीने, फलस्वरूप स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आपको छोटे भाइयों व पड़ोसियों को नाराज करने से भी बचना होगा। हालांकि कंपटीटर सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। महीने के पहले भाग में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी मेहनत को जो है बेहतर कर पाएंगे, अपनी मेहनत से अपने कार्यशैली को बेहतर कर पाएंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है वो थोड़ा सा तनाव भरा रह सकता है, परिणाम स्वरूप आप अपनी योग्यता का शायद पूरी तरह सदुपयोग ना कर पाएं।
उपाय के रूप में सूर्य भगवान को हल्दी मिला जल चढ़ाना शुभ रहेगा। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सामान्यतः यह महीना आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है। हो सकता है कि इस महीने आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर थोड़े से ज्यादा चिंतित रहें, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जल्दी ही आपकी ये समस्या दूर होने वाली है। अगर आपका थोड़ा बहुत मनमुटाव किसी परिजन के साथ चल रहा है तो वह भी महीने के दूसरे भाग में दूर हो जाएगा। शिक्षा व संतान के लिए भी समय अनुकूल है। और एक सुझाव है कि प्रेम प्रसंग के बीच में अगर आप अहंकार नहीं दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। महीने के पहले भाग की तुलना में महीने का जो दूसरा भाग है वह अधिक अनुकूल रहने वाला है। उस समय आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा आपको अधिकांश मामलों में सफलता देने वाली रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में बादाम का हलवा चढ़ाना शुभ कर रहेगा। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, इस माह आपको मिले जुले परिणाम ही मिलते नजर आ रहे हैं। पुरुषार्थ करके आप इन परिणामों को और भी बेहतर कर सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए महीना सामान्यतः अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। साझेदारी के कामों में भी बेहतरी आती प्रतीत हो रही है। भूमि भवन आदि से संबंधित मामलों में भी बेहतरी आने के योग बन रहे हैं। महीने के पहले भाग में स्वास्थ्य का ख्याल रखना थोड़ा सा जरूरी रहेगा, क्योंकि बुखार या सिरदर्द आदि की शिकायत आपको रह सकती है। वहीं महीने का दूसरा भाग आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य की नाराजगी देखने को मिल सकती है। तो भैया, मीठी वाणी बोलिए और परिजनों को मनाइए। इस समय आपको यह प्रयास भी करना होगा कि आप अपने परिजनों के लिए कुछ मदद भी कर सकें। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने आपको भी मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं या विदेश में नौकरी आदि करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे कामों में जरूर आपको बड़ी सफलता मिलती प्रतीत हो रही है। विशेषकर महीने के पहले भाग में इस तरह के कामों में अच्छी सफलता मिलती नजर आ रही है। काम को लेकर कुछ यात्राएं भी संभावित हैं। और महीने के दूसरे भाग की बात करें तो उस समय स्थितियां काफी बेहतर नजर आ रही हैं। इस समय आपके मान सम्मान का स्तर भी बढ़ने वाला है। यदि स्वयं का काम या व्यापार है तो उसमें भी एक बेहतरीन उछाल देखने को मिल सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को रोली मिला हुआ जल चढ़ाएं, अर्घ के रूप में दें, साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप भी करें। ऐसा करने से स्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, सामान्यतः यह महीना आपको भी मिले जुले परिणाम दे सकता है। पिछले दिनों किए गए कार्यों का परिणाम हालांकि इस महीने मिलने वाला है, इसलिए आप इसे अच्छा कह सकते हैं। काम के सिलसिले में कुछ भाग दौड़ भी संभावित है। इस माह भाषा शैली कुछ कड़क रह सकती है। ऐसे में ध्यान ये रखना होगा कि आपकी बातों से किसी का दिल ना दुखे। महीने के शुरुआती दिन सामान्यतः अच्छे परिणाम देते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ यात्राएं फलदायी नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ यात्राओं की सफलता का पैमाना इतना बेहतर होगा कि वो अन्य यात्राओं की भरपाई कर देगा। महीने के दूसरे भाग में किसी भी निर्णय के लिए भली भांति चिंतन मंथन जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पिता या फिर पिता तुल्य किसी व्यक्ति की निरंतर सेवा करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, सामान्य तौर पर इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं। दूसरों पर आप अपने व्यक्तित्व का प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे। हालांकि इस महीने आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, साथ ही स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल रह सकता है। ऐसे में आपको स्वयं को संयमित व शांत रखना होगा। इस महीने कई काम भाग्यवशात भी बनते रहेंगे। महीने का पहला भाग काम धंधे के लिए अनुकूल रहने वाला है, लेकिन इस समय आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपकी छवि को खराब करे। बात करें महीने के दूसरे भाग की तो वह अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने वाला है। इस समय आप कुछ ऐसी यात्राएं कर सकते हैं जो आपके लिए बड़ा फायदा दे सकेंगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, लेकिन उसमें लाल मिर्च के बीज अगर डाल दें तो और भी अच्छा रहेगा। और अब बात कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वालों, इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आपका काम साझेदारी का है तो आपको बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। इस महीने आपको आपस में संदेह भी नहीं करना है। विशेषकर महीने के पहले भाग में आपसी संदेह होने की स्थिति में संबंधों में कमी आ सकती है, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी पर किसी भी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं रहेगा, साथ ही उनके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना जरूरी होगा। यदि संभव हो तो साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कराएं, इससे आत्मीयता में बढ़ोतरी होने के योग और भी मजबूत होंगे। महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में काफी बेहतर रहेगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, काम धंधे में सुधार व विस्तार के भी अच्छे योग बन रहे हैं। उपाय के रूप में माथे पर केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा। और अब बात वचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों, सामान्य तौर पर इस महीने आपको थोड़े से अच्छे तो थोड़े से खराब परिणाम भी मिलेंगे। बेहतर परिणाम पाने के लिए अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित है बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे। आप ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो सफलता का जो पैमाना है, जो प्रतिशत है, उसका बढ़ना सुनिश्चित है, क्योंकि आपके धन स्थान का स्वामी लाभ भाव में उच्चावस्था में रहेगा। ऐसे में न केवल आप बेहतर लाभ कमा पाएंगे बल्कि अच्छी बचत भी कर पाएंगे। हालांकि महीने का पहला भाग सावधानी व संयम से काम लेने का संदेश भी दे रहा है, लेकिन दूसरा भाग अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। इसमें आपके रास्ते की जो कठिनाइयां हैं वो बहुत हद तक स्वयं भी दूर हो जाएंगी। उपाय के रूप में सूर्य देव को रोली मिला हुआ जल चढ़ाना और साथ ही पिता की सेवा करना जीवन में शुभता जरूर लाएगा। तो आशा है कि इस राशिफल के माध्यम से आप एक बेहतर योजना बनाकर अपने नवंबर के महीने को बेहतर ही दे पाएंगे। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां बनी रहें, इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। और हमारे वीडियोज को निरंतर देखते रहने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।